हाय गाइस, अभी रिसेंटली में मैं अपना मेडिकल का एग्ज़ाम देने कानपुर गया था। वहाँ पे मेरे साथ में एक फ्रॉड हुआ, जैसे आप स्कैम भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं अपने एग्ज़ाम देकर बाहर निकला तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। तो वहाँ मैंने देखा पास में कुछ लड़कों का ग्रुप वहाँ पर सिम ओपन कर रहा था, जिसमें कि BSNL की सिम वो लोग ओपन कर रहे थे, और जो उनके प्लान थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे। उनके 100 रुपये की सिम थी, जिसमें आपको 2 महीने तक 1 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल देखने को मिलती थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सिम यहाँ से एक बाय कर लेते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। हालाँकि मेरा रिसेंटली में इस टाइम में एयरटेल में 3 GB डाटा रिचार्ज है, जिससे कि मेरा काम चल जाता है। तो मैंने सोचा कि 1 GB और मिल जाएगा तो वो अपने डेली में काम भी आता रहेगा। तो मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा और 100 रुपये मांगे, तो मैंने उनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिम ओपन करके दी। तो जब मैंने वो सिम अपने फ़ोन में डाली तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो मैं जब ये बात उनसे बोला तो ये वो बोला कि ये सिम 2 घंटे बाद चालू होगी और कंपनी आपकी सिम में रिचार्ज करेगी। तो मैं वहाँ पर 2 घंटे नहीं रुक सकता था क्योंकि मेरी ट्रेन थी। तो मैं वहाँ से गया रेलवे स्टेशन और वहाँ से निकल आया अपने घर। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी सिम चालू नहीं हुई थी। मैं चुपके से उनके आई कार्ड की फ़ोटो खींच लाया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जब मैं उनको कॉल किया तो वो ये बोले कि ये सिम आप दोबारा आना तो वापस चले, मतलब मेरे को चूतिया बना रहे थे। तो आगे की जानकारी के लिए मैं गया खुशी मोबाइल सेंटर, तो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर हूँ खुशी मोबाइल सेंटर पर और मेरे साथ है आलोक पांडे जी, और ये हमें बताएंगे सिमों के बारे में कि कैसे सिमें वर्क करती हैं और कैसे ये ओपन होती है। मैं खुशी मोबाइल सेंटर, मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं सारी कंपनियों की सिम ओपन करता हूँ। और जो सिम की कॉस्ट आती है वो पर सिम 10 रुपये की होती है, अगर हम उसमें FR नहीं करते हैं तब। मान लीजिए हमने किसी कस्टमर की सिम ओपन की और उसमें अगर मैंने FR नहीं किया तो सिर्फ वो सिम 10 रुपये की ही बिल होती है हम लोगों को। अगर हम लोग FRC करते हैं, एक 197 की, 297 की, तो वो 300-200 रुपये की बिल हो जाती है। वही हम लोग कस्टमर को देते हैं। अगर हम उस सिम में FR नहीं करते हैं तो वो 0 बैलेंस वाली सिम रहती है और सिम की कॉस्ट मात्र 10 रुपये की होती है, जो सारी कंपनियाँ एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो, BSNL, ये सारी कंपनियों की सिम मात्र केवल 10 रुपये में बिल होती हैं, 0 बैलेंस और 0 वैलिडिटी पर। तो अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि कोई अगर ये सिम आपसे खुलाकर ले गया और उसने कोई FIR उसमें आपने नहीं किया, तो क्या वह व्यक्ति उस सिम का उपयोग कर सकता है या उपयोग नहीं कर सकता? नहीं, उस सिम का उपयोग नहीं करेगा, ना तो कॉल जाएगी, ना आउटगोइंग होगी, ना इनकमिंग होगी। जब FRC नहीं होगी तो ना आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो जाएंगी और उसमें किसी को भी लाभ नहीं है। तो और वो नंबर ओपन भी नहीं होगा? नंबर ओपन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन FRC नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, ये 3-4 लोगों का ग्रुप बनाकर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है और वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, खासकर ये स्टूडेंट को ज़्यादा फांसते हैं। तो इनका स्कैम क्या होता है, ये BSNL, एयरटेल, वोडा या कोई भी सिम आपको खोलते हुए मिल सकते हैं और ये आपको बुलाएंगे, कम पैसे में आपको सिम दोगे। जैसे कि उन्होंने, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर 100 सिम तो खोली ही होंगी, क्योंकि 5-6 लोगों का उनका ग्रुप था और सब लगातार सिम खोल रहे थे और कम बजट देखकर स्टूडेंट उसके ऊपर टूटे पड़े थे। तो वहाँ पर उसको अगर उसने 100 सिम भी खोली होगी ना, तो अगर 100 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 10,000, और 100 सिम को उसको केवल 1,000 रुपये ही पे करने पड़े होंगे। और कोई भी वहाँ उनका आईडी कार्ड इतने स्टूडेंट नहीं देखता, सब इस होड़ में थे कि कैसे करके मेरी सिम खुल जाए। तो आपके लिए एक निवेदन है कि आप जब भी कोई भी सिम बाई करें तो आप एक ऑथेंटिक शॉप से ही सिम बाई करें, जो आपके पास में पड़ोस में दुकान हो, जिसे आप जानते हो कि हाँ ये मुझे एक अच्छी सिम देगा। क्योंकि मान लो अगर आपने वहाँ पे सिम खिलाई और वहाँ पे उसने ऊपर नीचे चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सिमें होती हैं, अगर उसने आपकी सिम एक्सचेंज कर दी और जो आपने सिम अपने आधार कार्ड से खुलाई उसको जाकर ब्लैक में कहीं और बेच दिया, जैसा किसी गलत मात्रा में यूज हो रहा है, तो आप उसमें फंस सकते हैं। और मेरा कहना ये है, मैं स्क्रीन पर इन दोनों की आईडी दे रहा हूँ। तो BSNL, प्लीज़ हेल्प करो, जो आपके ये एजेंट ऐसा काम कर रहे हैं तो इन्हें आप रोको, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है।
किसी ऐसे आदमी से सिम खरीदना जो कि बाइक पे सिम बेचता है और आप उसको नहीं जानते, तो कृपया आप ऐसे व्यक्ति से सिम बाई ना करें, हो सके जितना आप उससे दूर रहें। अगर आपको सिम लेनी है तो आप किसी ऑथेंटिक सेंटर से ही जाकर सिम बाई करें। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।